वेट, युक्ति मैम आप यहाँ? इतने दिनों से तुम क्या कर रही हो और क्या करती आई हो ना, सब कुछ पता है मुझे। क्या आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे नहीं पता है। ए, बस हाँ भी, ज्यादा इनोसेंट बनने का नाटक मत करो तुम। इतने टाइम से मिसेस भूमि महाजन को गलत इंजेक्शन देते आई हो। उस बॉटल में लेबल तो करेक्ट होता है लेकिन अंदर दवाई गलत होती है। और उस दिन मिसेस भूमि महाजन ने मेरे सामने तुमसे कहा भी था ना कि उस इंजेक्शन से उनको और तकलीफ होती है, लेकिन तुमने बहुत स्मार्टली उस बात को घुमा दिया। तुम्हें आइडिया भी है उस इंजेक्शन से उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है? And I swear to God, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगी? और अब मेरे घर में आकर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है और अब चाहती है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं। और प्रूफ क्या आपके पास मेरे खिलाफ? जाइए यहाँ से। प्रूफ है मेरे पास। उस दिन तुम्हारे मेडिसिन बॉक्स से मैंने इंजेक्शन निकाल लिया था और उस बॉटल के अंदर का लिक्विड भी। और चाहे कुछ भी हो जाए, इल्जाम तुम पर ही लगना है क्योंकि मिसेस भूमि महाजन का ध्यान 24 घंटे तुम रखती हो, उन्हें दवाइयां तुम देती हो, तो सोच लो। देखिए मैम, मैं वहां पर जॉब करती हूँ नर्स का, और भूमि मैम को मैंने कोई गलत दवा नहीं दी है। इनफैक्ट जो भी दवाई मुझे महाजन फैमिली से मिल रही थी वही इंजेक्शन में मैम को दे रही थी। पर आपको जो कुछ भी पूछना है आप डायरेक्टली जाकर महाजन से पूछिए ना। इनफैक्ट मैं ही उनसे पूछ लूंगी और उनको बता भी दूंगी कि आप यहाँ पर आकर मुझसे क्या बोल रही थी। अब जाइए यहाँ से। सुनो, जान लेने की कोशिश कर। प्लीज गेट गेट। रुको, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रहे थे? अभी ऐसे गिर जाते तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता? मर जाता और क्या, मरना ही है मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे क्यों बात है, मुझे नहीं जीना, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मरने की कोशिश, मरने की कोशिश कर रहे थे तुम? हाँ, आपकी वजह से। क्या जरूरत थी आपको मेरे को छोटे स्कूल से निकाल के बड़े स्कूल में डालने की? मैं म्युनिसिपल स्कूल में बहुत खुश था, मेरे दोस्त थे वहाँ, और इन अमीरों के स्कूल में कोई दोस्त नहीं है मेरा, और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं उनसे दोस्ती कर सकूं। हंसते हैं मुझ पे क्योंकि मैं ऑटो से आता जाता हूँ। उन सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या तो मुझे गाड़ी खरीद के दो या मुझे मर जाने दो। एक सेकेंड, तुम्हें क्या लगता है एक बड़ी गाड़ी होने से तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे? हाँ, और नहीं तो क्या? Are you 100% sure? हाँ, शायद, पता नहीं। इंपोर्टेड कार और देसी कार चलाने में क्या डिफरेंस है? इंपोर्टेड कार चलाने में ज्यादा मजे आते हैं। नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए बस मंजिल तक पहुंचना दिमाग में होता है और कुछ नहीं। मर मर कर काम करती हूँ ताकि तुम अच्छी जगह पढ़ सको, आगे जाकर कुछ बन सको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक गाड़ी खरीद कर दे दूंगी, पर क्या गारंटी है कि बड़ी गाड़ी और पैसे होने के बाद तुम्हारे सच्चे दोस्त बनेंगे? बेटा, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे तुम्हारी वैल्यू तय नहीं होती। इस बात की कोई गारंटी है कि तुम्हारे पास अगर बहुत सारे पैसे होंगे, बड़ी गाड़ी होगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी? पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों से अच्छे से पेश आओगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की मेहनत करोगे, तब जाके तुम्हारी वैल्यू बनेगी, है ना? अगर आज तुम मर जाते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्तों को फर्क भी पड़ता? तुम्हें पता है फर्क किसे पड़ता? या तुम्हारी दीदी को, जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है, तुम्हारे लिए काम कर रही है, और तुम क्या कर रहे थे? उन दोस्तों के लिए जो तुम्हें गाड़ी से, पैसों से तोलते हैं, तुम उनके लिए अपनी दीदी को गंवाने तुले थे? एक बार भी तुमने अपनी दीदी के बारे में नहीं सोचा? माफ कर दो दीदी, गलती हो गई। तू ठीक तो है ना?
टेक केयर। युक्ति मैम, एक मिनट। हाँ युक्ति मैम। मैम आप बहुत अच्छी हैं। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा भाई क्या कर चुका होता। मैं तो जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन आपने फिर भी सच का साथ दिया। ये आंखें जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं? अब ये नया प्लेयर कौन है? इस नए प्लेयर को ना मॉम, हमारे सारे प्लान्स के बारे में पता था, दादा बाबू के बारे में पता था। I'm pretty sure म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फेक रेड भी इसी इंसान ने कराई थी। उसको पता था कि हम वो रेड के प्रेशर में आके दादा बाबू को सीक्रेट हाइडआउट से निकालेंगे और वो उस प्रेशर सिचुएशन में दादा बाबू को हमसे छीन के उड़ा ले जाएगी। डीजे, लुक, ये आंखें कुछ ज्यादा ही पहचानी हुई सी नहीं लग रही? जी कहीं शुभिका तो नहीं? What rubbish! युविका को मरे हुए एक साल से भी ज्यादा हो गया। Not her. तो फिर है कौन ये? जो भी है डीजे, ये हमारी दुश्मन है। आज होलिका दहन है और ये जो भी है इसे हम पता लगा के रहेंगे। आई विश ये होलिका ना मेरी जैसे स्मार्ट होती तो इसे हर साल अच्छाई से हारना नहीं पड़ता। एंड आई विश वो अच्छाई उस आग में हर साल जल जाती। बट सैडली शी वॉज नॉट लाइक मी। युक्ति जी रिलैक्स, कोई तमाशा क्रिएट करने नहीं आई हूं मैं। जस्ट बिकॉज मैंने ये हिस्सा खरीद लिया आई थॉट मैं सारे रूम जाके चेक करती हूँ। आई थिंक इट नीड्स अ मेकओवर, सो कुछ डिजाइंस, कुछ समथिंग आई डू विद द रूम, दैट्स इट। होली हो या दिवाली, देयर आर गोना बी नो डेज ऑफ यू एंड योर टीम, समझे? तुम लोग 2400 घंटे काम करोगे। ये जो तुमने आंखें अभी मुझे दिखाई ना मयंक, मुझे आंखों के साथ का चेहरा भी देखना है। मुझे फुटेज चाहिए सारी, जहां एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ वहां वो दादा बाबू को छोड़ के वो लड़की वहां से भागी। तो भागी कैसे? कहीं से तो गई होगी ना, फुटपाथ रोड, कहीं की आसपास की हर फुटेज चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं उस लड़की का चेहरा दिखेगा, सड़कों से लेकर फुटपाथ, कहीं की भी दुकानों की। आई वॉन्ट ऑल दैट। मुझे वो चेहरा देखना है। सिंपल इनफ फॉर यू? ओके सर। कि मेरी दी और मेरे पापा की फेवरेट चॉकलेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। शिवरात्रि में जिस तरह आपने मेरी मदद की,
मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरी मम्मा की हेल्प की, उन सब चीजों के लिए थैंक यू। मेरी दी के जाने के बाद पहली बार किसी ने मेरे प्रॉब्लम को समझ के उसके लिए स्टैंड लिया। मेरी दी होती ना तो वो भी यही करती। मिस करती हो अपनी दीदी को? नहीं, पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन जब तक दी थी ना, मेरा बचपना खत्म ही नहीं हुआ था। जिद करना, मनमानी करना, मैं बड़ी ही नहीं हुई थी। और फिर दी चली गई, ऐसा लगता है दी अपने साथ मेरा बचपना भी अपने साथ लेकर चली गई। दी के साथ साथ मैंने अपना बचपन भी खो दिया। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई मिस मुल्तानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब पता नहीं इस नर्स ने इनसे क्या कहा है। भूमि की देखभाल करने के लिए इस नर्स को रोकने वाली आप होती कौन है? माना कि कुछ दिनों के लिए ये घर का हिस्सा आपका हो चुका है, लेकिन ये लोग आपके बिल्कुल नहीं हैं। भूमि और बच्चों पर अपनी मनमानी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आइंदा से इस नर्स के साथ रोक टोक करने की कोई जरूरत नहीं है। नर्स। यस सर। भूमि के इंजेक्शन का वक्त हो गया है, जाओ उसे इंजेक्शन दो। यस। अरे उपले काहे नहीं लाया रे, भूल गया था करे, चल जा निकल यहां से। कपड़े साड़ी सब रखा है कि नहीं? हो गया। ये सब क्या है मॉम? कि गोबर के ओपले यक, और साथ में मिठाई भी, ये क्या कॉम्बिनेशन है? वो भी गिफ्ट रैप्ड। अरे कोयलिया, आज होली का दहन है, भूल गई का? हाँ उसी का तैयारी है ये सब। हाँ ये सब फल धान गुड़ ये सब। अरे भाई ये सामान जाएगा तुम्हारे ससुराल, ये सब पर त्योहार का विचार व्यवहार है, करे के पड़ी। स्टॉप इट मॉम। अरे थक गई मैं आपके इन ढकोसलों से, और मुझे दूर की रिश्तेदारी नहीं निभानी है। मुझे उस घर में महाजन पर अपना हक जमाना है, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग। पहले ये मर्जर और अब पोर्ट। डीजे मुझे हमेशा चुप करा देता है, और पता नहीं मिस्टर बेग को उस प्रेजेंटेशन के दौरान क्या हो गया, अचानक से भड़क गया आदमी। किसकी गलती थी, क्या गलती थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन? Can I ask him to dig on that day's details? हिंदी में समझाएगी? क्या मैं इससे उस दिन के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ काहे नहीं। सुनो तुमने कुछ पता चला तुम्हें क्या वजह थी और क्या हुआ उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में? कोशिश तो की मैंने पर कुछ खास पता नहीं चला। इतना एंटरटेन किया उस मिस्टर बेग को लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। यू नो व्हाट मॉम, डीजे को शक भी है और यकीन भी कि वो मिस युक्ति मुल्तानी उसी ने कुछ गड़बड़ की है। बट वॉट? मिस मुल्तानी अपनी हदें पहचानिए और नर्स का रास्ता छोड़िए प्लीज।
भूमि मैम को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है उसके बारे में मैं जानती हूँ। वो इंजेक्शन सही नहीं है, लेकिन वो इंजेक्शन मैं अपनी मर्जी से नहीं देती हूँ। महाजन्स जो बोलते हैं वो मैं मजबूरी में करती हूँ। युक्ति मैम, महाजन्स नहीं चाहते कि भूमि मैम कभी ठीक हों। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसके एंटीडोट का मैं पता लगा लूँगी। मैम, मुझे उसके एंटीडोट का पता है, मैं आपको बता दूंगी वो कहाँ पर मिलेगा। अगर तुम्हें अपने के पर सचमुच कोई पछतावा है ना, तो मुझे भूमि महाजन को बचाने में मेरी मदद करो। यस मैम। देखा आपने मिस मुल्तानी, ये इंजेक्शन भूमि की बेहतरी के लिए है, इसलिए आप नर्स के काम में बिल्कुल दखल नहीं देंगी। जी भूमि बेटे, आप यूं बिस्तर पर लेटे हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। आज होली का दहन की रात है और कल सुबह होली। याद है तुम्हें हम सब मिलकर किस तरह महाजन हाउस में होली का त्योहार मनाया करते थे? बेटे, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। दवाइयां तो जरूर अपना काम करेंगी, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। तुम्हें खुद को बोलना पड़ेगा कि तुम ठीक होना चाहती हो। बेटे, जल्द ठीक हो जाओ। मैं चाहता हूं कि कल होली के उत्सव में तुम हमारे साथ जरूर शामिल होना। मिस मुल्तानी, होली के त्योहार में सारे गिले शिकवे और बैर दूर हो जाया करते। मैं चाहूंगा कि आप भी कल हमारे होली के उत्सव में जरूर शामिल होइए। जी मिस्टर महाजन, मैं जरूर रहूंगी, गिले शिकवे भुलाने के लिए नहीं बल्कि गिले शिकवे मिटाने के लिए। ये जो युक्ति मुल्तानी है ना कोयलिया, एक नंबर की भीतर गुन्नी है, बहुत खाक है भीतर से। ये जो है बिना मकसद के अपने शरीर का मैल भी किसी को ना दे और उठा के अपना कुर्सी दे दिया दादा बाबू को। हमरा गणित कहता है ना कि इसका नजर कहीं और है टिका है, लेकिन ये जो पासा फेंकती है उसका चाल समझना बहुत मुश्किल है। अब देखो ना, हर जगह इसी का नाम उछल रहा है, लेकिन इसका मकसद हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमको बस ये देखना है कोयल कि हमरा किला ठहना नहीं चाहिए, और ये जो युक्ति मुल्तानी है ना, इसके ग्रह गोचर पर हमको एकदम बाज का नजर रखना है बस। सुनिए, यहाँ आइए, ये नारियल गार्गी मैडम को दे देना। हाँ क्या हुआ ईशा, इन रंगों को देख के क्या सोच रही है? कुछ नहीं भाई, यही सोच रही हूँ कि ये वही रंग है जिसके साथ हम पापा और दी के साथ ऋषिकेश में होली खेलते थे। तब यही रंग हमें कितनी खुशी देते थे। अब ये रंग तो है, लेकिन ये रंग हमें वो खुशी नहीं दे सकते। सही कह रही है, बस एक बार ना माँ ठीक हो जाए, फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा।
जाओ अंदर से सामान और ले आओ। हाँ, अरे वाह गार्गी, होलिका दहन के रस्म की सारी तैयारी आपने की है? जी दादा बाबू, होलिका दहन की ये रस्म तो घर की बड़ी बहू ही करती है, और अपना फर्ज निभाने में शर्म कैसी। एक्चुअली आप ये जो तैयारियां देख रहे हैं ना, सभी मैंने ही की है। मेरी थोड़ी सी हेल्प एक्चुअली सुभद्रा दीदी ने कर दी। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा सजाया है ये सब। आओ अब होलिका दहन की पूजा शुरू करते हैं। मिस मुल्तानी, क्या आप जानती हैं होलिका दहन क्यों मनाई जाती है? जी मिस्टर महाजन, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है ये पर्व। होलिका दहन केवल प्रतीक मात्र नहीं है मिस मुल्तानी, होलिका दहन हमें ये याद दिलाती है कि अच्छाई की विजय बुराई पर हमेशा होती है। मैं तो इसी विश्वास पे जीती हूं मिस्टर महाजन। वो आंखें युक्ति के जैसी तो नहीं? थोड़ी थोड़ी। नो वे। वैसे मिस्टर महाजन, होलिका जलाने का मतलब क्या होता है आपने अपने भतीजे दिग्विजय को कभी नहीं समझाया? ऑब्वियसली मिस मुल्तानी, मैं इसी घर में पला बड़ा हूँ और होलिका दहन का मतलब बहुत अच्छे से जानता हूँ। इम्प्रेसिव, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम इस बात को अच्छे से याद रखो। चल क्या आ रहा है इसके दिमाग में? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।